गाइस, मैं थोड़ा रूबी रूबी जेम फ्रॉम फरीदकोट। सो आज का टॉपिक है हाउ टू गेट फिट। पर मैं तुम्हें एक चीज दसना चाहना है, मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स मैं कहते हैं कि सर मैं 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गए, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, मैं फिट नहीं हो रहा, मैं की करा। सो मेरा उन्होंने आंसर है कि सारा कुछ जिम नहीं होंदा, जरूरी होंदा थोड़ा डेली का लाइफ स्टाइल, जिदे विच थोड़े फर्स्ट ऑफ ऑल स्लीपिंग आवर्स, थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मोस्टली स्टूडेंट्स का एक्टिविटी की होंगी है, मॉर्निंग 10 बजे उठना है, रात को देर 2-3 बजे तक जागते रहना, तो यह बहुत ज़्यादा मैटर करता थोड़े बॉडी के उत्ते। जो तुसी गेट फिट होना चाहते हो तो तुहानू प्रॉपर नींद, प्रॉपर स्लीपिंग आवर्स कवर करने पैणगे। स्ट्रैस निक्की निक्की गल दा स्ट्रैस, हाय मैं सवेरे लेट उठी स्ट्रैस, हाय मैं इत्थे जाना स्ट्रैस, हाय मैं मार्केट तो आ चीज़ लियानी सी स्ट्रैस। वाय जे तुसी सारे काम ईजी कर सकते हो तो ईजी वे नाल उहनू करो, तो उहदे लई दुखी होने की कोई लोड़ नहीं है। सो थोड़े स्लीपिंग आवर्स 7 to 9 hours, मैक्सिमम 9 hours होने चाहिए है, मिनिमम 7 hours होने चाहिए है। अगर तुम फिट होना चाहते हो, थोड़े हारमोनस है जोड़े वो थोड़े स्लीपिंग के उत्ते भी डिपेंड करता है कि थोड़े हारमोनस किमें फिट कर सकते थोड़ी बॉडी में, राइट। एंड थोड़ी एक्टिविटी आप करते हैं, खाना पीना, लेट जाने हैं, सो जाने हैं, खा के सो जाने हैं। मोस्टली जिम ट्रेनर्स, जिम ओनर्स डाइट डिनर के लाइट डाइट प्रैफर करते हैं। वाई? बिकॉज उन्होंने डायजेशन लेट होंगी है, थोड़े स्लीपिंग आवर्स होंगे है, तो वह प्रॉपर डाइट जी रात को खाधी होंगी है वह प्रॉपर डायजस्ट नहीं होंगी, तो उन्होंने डायजस्ट करने लिए थोड़ा वॉक प्रैफर करते हैं। तो इस तरह आप लंच में भी मोस्टली यही करते हैं, खाना खा के लेट जाने, टीवी देख लग जाने, पर एक्टिविटी पीरियड कोई नहीं होंगे। सो आपके आप को एक्टिव रखो, अपना डेली का रूटीन एक बनाओ, अपनी कैलरीज काउंट करो कितनी कैलरीज लै रहे हो, उन्होंने बर्न करने की कोशिश करो, एंड अपने स्लीपिंग आवर्स प्रॉपर रखो, राइट। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलियो। थैंक यू। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलियो। थैंक यू।